वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब कुछ मौसम की बात करते हैं जी, और हमें खुशी इसलिए हो रही है कि सुन रहे हैं कि बारिश होने वाली है। और इस वक्त सरदार सरफराज साहब, जिनका ताल्लुक महकमे मौसमियात से, हमारे साथ मौजूद हैं। मेट ऑफिस ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि मॉनसून की बारिशें अगले कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड हैं, और पंजाब के मेजर पार्ट्स के अंदर और मुल्क भर में भी। सो सर, हम पूछ लेते हैं सरदार साहब से। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या अपडेट्स है सबसे पहले, अगर ओवरऑल आप एक मौसम का नक्शा हमारे सामने रख दें पाकिस्तान भर में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले बात हुई थी, पता नहीं आपसे हुई थी या किसी दूसरे चैनल से, तो 27 का मैंने कहा था कि 27 से आनवर्ड एक सिस्टम मुतवक्के है। तो जैसे आपने देखा होगा, कल इस्लामाबाद ऑफिस ने एडवाइजरी भी इशू की है सिलसिले में। तो आज रात से उम्मीद है कि आपके जो नॉर्थ के इलाके हैं, यानी इस्लामाबाद और सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला, फिर बढ़ते बढ़ते ये नीचे लाहौर फैसलाबाद तक भी 29 को, मतलब परसों तक वहाँ भी आ जाएगा सिलसिला। तो ऑलमोस्ट पूरा पंजाब ही कवर हो जाएगा इसमें बतदरीज, पूरा केपी, पूरे पंजाब के बेशतर इलाके, और इसी तरह से ऊपर जीबी, कश्मीर, इन सब एरियाज में बारिश होगी। अच्छा, से पहले ये आज रात से शुरू होगा तो मेरे ख्याल में यकम सितंबर तक जाएगा एटलीस्ट, और किसी किसी कई कई जगहों में तो 2 सितंबर तक भी हो सकती है। अच्छा, तो ये क्या यूजुअल स्पेल है या फिर गैर मामूली है? इसको गैर मामूली कह सकते हैं? नहीं, कोई इतना बहुत ज़्यादा गैर मामूली तो नहीं, लेकिन कुछ एरियाज़ में जैसे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, नीचे फिर लाहौर में, फैसलाबाद में, इन कुछ गुजरांवाला में, कुछ इलाकों में तेज़ बारिश का स्पेल भी मतवक्के है, खासकर संडे की नाइट को और फिर मंगल को। ये 2 दिन ऐसे होंगे कि उसमें ज़्यादा हैवी स्पेल भी होगा, और वो कुछ एरियाज में लाहौर हो गया जैसे, या रावलपिंडी हो गया, गुजरांवाला हो गया, इन एरियाज में सियालकोट वगैरह की तरफ, वहाँ पे कुछ मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए अर्बन फ्लडिंग टाइप चीज़ भी हो सकती है। तो ओवरऑल अच्छा सिस्टम है, अच्छी बारिश होगी इसके दौरान। और हम ये भी समझें कि इस स्पेल के बाद थोड़ा सा मौसम का जो अंदाज है वो बदल भी जाएगा, यानी कि गर्मी जाती नजर आएगी हमें, ऐसा है? जी जी बिल्कुल, ये जो पिछले दिनों हम गर्मी और हब्स चल रहा था, जाहिर है वो सब साइड हो जाएगी कल से इंशाल्लाह, गर्मी का जोर टूट जाएगा। अच्छा, और आगे फिर 2-3 सितंबर तक ठीक रहेगा मौसम। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे और आपने हमें मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। अच्छा है, जो बारिश होती है, मौसम अच्छा होता है तो मूड भी अच्छा हो जाता है, हमारे मुस्कुराहटें भी आ जाती हैं। ज्यादा बारिश होती है तो पानी, अल्लाह करे ज्यादा बारिश हो लेकिन ज्यादा पानी ना आए, रहमत की बारिश, रहमत की बारिश हो, बाइस रहमत ना बने। अच्छा जी, अब हम इजाजत लेंगे, लेकिन जाने से पहले हम आपको कोविड के हवाले से एक बार फिर डराना चाहेंगे, क्योंकि ये डराने वाली बात ही है और डरने वाली बात ही है। जो केसेस हम जिस रफ्तार से देख रहे हैं कि बढ़े हैं, कोविड की सिचुएशन वर्स्ट हो रही है, हम सबको एहतियात करनी है और सबसे बढ़कर वैक्सीनेशन। बिल्कुल, 95 हम बात पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई, और वैक्सीनेशन के हवाले से एक बड़ी अहम बात जो मैं अब कोशिश करेंगे हम रिपीट करते रहें, एक तो जो लोग शुगर पेशेंट्स हैं, डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, कोई मसला नहीं होने वैक्सीन लगाने के अंदर, आप उन्हें कोई भी वैक्सीन, प्रेग्नेंट खवातीन भी अपनी कोई भी अपने डॉक्टर के मशवरे से जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं, और मशवरा ना भी हो तो रिकमेंडेड है ये वैक्सीन। आप इस हवाले से भाव का शिकार मत रहिए, अगर नहीं लगवाई, अपने बुजुर्गों को आप अवॉइड करें, लोग डरते हैं जरा, तो आप लगवा सकते हैं, आपको लगवानी चाहिए वैक्सीन, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग करें अगर कर सकते हैं, और खुश रहें, खुश रखें। और अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे के रोज, लेकिन कल हमारा बेस्ट, कल और परसों, हाँ बेस्ट ऑफ चलेगा, आपने बेस्ट ऑफ बिल्कुल मिस नहीं करना पूरे हफ्ते के शोज में, ना जो बेहतरीन चीज़ें आपको मिलती है, वैसे तो सारे शो ही हमारे बेहतरीन होते हैं। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।